तो घंटी दबाते रहिए और बीइंग इंडियन से सूचना पाते रहिए। हाँ मेंटी, काव्या, बोलो। निखिल, तुम फिर से मैच देखने में बिजी हो ना? I told you to watch over निर्मा दी। ना मैं वही कर रहा हूँ, वही देख रहा हूँ। हाँ बस रहने दो। स्वीप कर यार। क्या? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? काव्या मैं निर्मा दी को कह रहा था कि स्वीप करो, ऐसा सोफा के नीचे स्वीप करो, क्या होता है ना फिर गंदा रह जाता है, फिर तुम ही कहती हो ना कि पता नहीं उसकी माँ बाप ने क्या फूंक के उसका नाम निर्मा रख दिया था। तुम पता नहीं क्या बोले जा रहे हो। anyway, I call you to tell you कि मेरी फ्लाइट डिले हो गई है। I'll be home by 8:30. वैसे भी I know you don't miss me much. नहीं बेबी, ऐसा थोड़ी ना, मुझे कितनी याद आती है तुम्हारी। पता है जब तुम घर पे नहीं होती हो, इस घर का एक एक कमरा, एक एक दीवार, हर चीज, हर कोना मुझे तुम्हारी याद दिलाता है। हाँ बस बस मेरे ड्रामा क्वीन, I'll be there in a few hours. Okay, bye bye bye. निर्मा दीदी, हाँ कौन आया देखो ना। हाँ देखते हैं। कमरिया पापा वो ना वो पिछले ईद की पिक्चर है। ईद क्या 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 फिर नहीं बनाती है जुबेदा आपा आपा। हाँ आपा, आप अचानक कैसे आ गए डैडी? आज क्या है, किस्मत खराब है। अरे आज वर्ल्ड कप फाइनल है माँ? और मैं जानता हूँ वर्ल्ड कप फाइनल के दिन तुझे कितना मिस करता है, इसलिए मैं चला आया तेरे साथ वर्ल्ड कप फाइनल देखने। वेरी वेरी नाइस डैडी, वेरी वेरी। अब देख ये ब्रेक चल रहा है ना, तब तक तू मुझे तेरा घर दिखा। चलो चल। ए पापा ये किचन। किचन तो बहुत अच्छा सेट करके रखा है तूने। और ये क्या? अरे पानी की बोतल भी भर के रखी है। बहुत अच्छे, तुम्हारी माँ अगर ये देखती तो खुशी के मारे रो पड़ती। भैया भी रो देते हैं जब बोतल भरकर नहीं रखते हैं, क्योंकि दीदी 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 मतलब निर्मा दीदी, निर्मा दीदी सारी बोतलें ना पापा भर के रखती है, पूरा किचन किचन ना वही संभाल के रखती है। वाह वाह वाह, क्या नाम बताया? निर्मा। जैसा नाम है वैसे ही लक्षण है, बहुत खूब। ए निर्मा। अब बेडरूम देखे पक्का? अरे क्यों नहीं, चलो। प्यारी प्यारी सी मीठी मीठी सी खुशबू कहाँ से आ रही है? पापा वो मैंने एक नया डियो लिया है, फुसफुस वाला, तो इसलिए ज्यादा स्मेल मार रहा है। डियो? डियो वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो घर से बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तू तो घर में ही काम करता है, पागल मत बना मुझे। अंकल जी फिनाइल की खुशबू आ रही है। गुलकंद वाली फिनाइल की खुशबू आ रही है, वो हमने पोछा लगाया था ना इसीलिए आ रही है। I tell you Nico, Hema is too good. Hema नहीं पापा, निर्मा। Same difference, same difference. वाह 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 वाह, Nico ये पर्दे भी काफी well maintained है बेटा। अब ये मत कहना कि ये सब रेखा का किया कराया है, क्योंकि एक प्रोफेशनल मेड का धर्म होता है बिना कहे कोई एक्स्ट्रा काम ना करना, और जया तो काफी प्रोफेशनल है यार। एब्सोल्युटली करेक्ट पापा, यार एब्सोल्युटली करेक्ट, आप इतने फनी हो जया, रेखा, सुषमा, सेंस ऑफ ह्यूमर। पापा ये देखो पर्दे गंदे।
गंदा पर्दे। दीदी आप एक काम करना, पापा शाम को जाएंगे ना, आप आके साफ कर देना। ओ, जा रहा होगा तू, मैं तो एक ओवरनाइटर बैग लेके आया हूँ बेटा, परसों की टिकट है मेरी। निको, ये बॉडी मिल्क कौन यूज करता है? मैं यूज करता हूँ। तू? हाँ। अरे लेकिन तू तो गोरा चिट्टा है। पापा एक्चुअली दांत वो येलो रहते ना, तो ऐसे टूथपेस्ट में थोड़ा सा मिलाता हूँ, एक दो बूंद, उसे घिस घिस के एकदम वाइट रखता हूँ दांत अपने। अच्छा, हाँ। अच्छा 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 तो ये दंत मंजन भी तुम्हारा ही होगा। निर्मा दीदी, आप भूल गए फिर से? कम ऑन निर्मा दीदी, मेरा लिपस्टिक मेरी है, ये काजल, ये घड़ी, ये पर्स, ये सैंडल, ये सब कुछ मेरा है, कल छोड़कर चली गई थी, आज ले जाऊं? ले जाओ पापा, आप भी क्या शर्लॉक होम्स बन रहे हैं पापा, आप अंदर जाके फैशन अप हो जाओ ना, फिर उसके बाद में मैच देखते हैं। चलो जाओ, अंदर सोप है। ओके निको, तू कब से टॉयलेट सीट ऊपर करके सूसु करने लगा? वाह, एक जमाने में हम भी ये ऐसे ही हुआ करते थे। कैसे? ये हाईलैंडर जैसे? हाँ हाँ वही, ऐसी चौड़ी छाती, घने घुघराले बाल, ऐसे ही लुंगी पहने हुए, और मोहल्ले की सारी लड़कियां बेहोश। पापा सबसे पहले तो वो लुंगी नहीं है, वो किल्ट है। हाँ हाँ वही वही। और आपके कॉलेज फंक्शन की फोटोज देखी है मैंने, आप हाईलैंडर कम धर्मेंद्र ज्यादा लगते थे, वो भी धर्मवीर वाले। अरे धर्मेंद्र हो या हाईलैंडर, है तो दोनों माचो। देखो बेटा एक बात समझो, माचो होना बुरी बात नहीं है, लेकिन शादी के बाद। एक बात कहूं, मैं भी तुम्हारी माँ के साथ शादी के बाद ही माचो हुआ था। क्या? हाँ। देखो समाज के दायरे में रहकर प्यार को कायम रखना, इसे ही माचोइज्म कहते हैं, समझ गए ना तुम? और दूसरी बात, ये घर से दूर रह के तुम हमारे घर के सारे उसूल, सारे रीति नियम भूल गए हो। वर्ल्ड कप देखने का रूल क्या है? चाय और पकोड़े के साथ में ही वर्ल्ड कप देखा जाता है। हाँ मैं लेके आता हूँ। नहीं नहीं बैठ जाओ। दूसरा रूल भी भूल गए, जहां पे बैठे हो वहीं से पूरा मैच देखो। हाँ। अरे सुषमा, अरे भाई चाय और पकौड़े लेके आओ गर्मा गर्म। वैसे ये तुम क्या पी क्या रहे हो? एप्पल जूस है, एप्पल जूस। एप्पल जूस बेटा, चाय पी के हमने हमारे बाल सॉल्ट एंड पेपर नहीं किए, हमने भी बहुत पिए हैं ऐसे एप्पल जूस, विलायती एप्पल जूस पिए हैं हमने। लेकिन सौ बात की एक बात, वर्ल्ड कप देखने का मजा चाय और पकौड़ों के साथ ही आता है। अच्छा एक बात बताओ, हम 2003 के रूल्स 2019 में भी क्यों फॉलो कर रहे हैं? पापा द गेम हैज आल्सो चेंज्ड सो मच, इट्स नॉट सो मच अबाउट फॉलोइंग रूल्स एज मच एज इट्स अबाउट एंटरटेनमेंट, तो वक्त के साथ हमें भी बदलना चाहिए ना डैड। देखो बेटा, रूल्स ब्रिंग ऑर्डर टू लाइफ डैड, वी शुड डू व्हाट मेक्स अस हैप्पी एंड समटाइम्स ट्राई टू लिव लाइफ विदाउट एनी रूल्स, नो रूल्स। हाँ चलो डैड, चलो। क्या लो? कोई बात नहीं, आप ये लो। चीयर्स। चीयर्स। चीयर्स।
डैड मुझे आपको कुछ बताना है। बोल ना। पापा काव्या इज माय गर्लफ्रेंड, हम 4 महीने से एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं शादी के बिना। यू आर राइट, ये किचन, ये बेडरूम, ये वॉशरूम, इनफैक्ट ये पूरा घर उसने संभाल के रखा हुआ है। इनफैक्ट वो अभी 8:30 बजे अपने कंपनी ट्रिप से वापस आने वाले। आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज प्लीज आप बस ओवर रिएक्ट मत करो। अच्छा मतलब अब तू मुझे सिखाएगा कि मुझे कैसे रिएक्ट करना है तेरे बाप को? घर की नेम प्लेट पर से ही पता चल जाता है कि घर में राहु की दशा है या बहू की। मैं तो सिर्फ ये सब तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। देखो ठीक है, थैंक्स डैड। काव्या होगी शायद, एक मिनट। हाय 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 बेबी, हाय यू। लिसन, मेरे बिना मैच देख रहे हो ना, क्या स्कोर हुआ? लिसन, यू नो आई वाज ट्राइंग टू स्ट्रीम इट ऑनलाइन एंड आई नो। काव्या लिसन, अंकल आ। अरे आओ आओ बेटा, बैठो बैठो, हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। आओ बैठो, एक और ही बाकी है, चलो मैच देखते हैं, चलो चलो। नहीं सोचा, मैं आपको बताने वाला था। बेटा तुम्हें जितना वक्त चाहिए उतना ले लो। क्या है बच्चों, जिंदगी में ऐसे मौके एक या दो बार आते हैं। अब ऐसे मौकों पर भी अगर दिल और दिमाग ये दोनों अलग अलग अपील करने लगे तो फिर DRS लेने से डरना मत, क्योंकि आपका जो कुछ भी डिसीजन होगा ये डैडी आपके साथ रहेगा। थैंक्स पापा। और दूसरी बात, अगर ये तुम्हें कभी भी परेशान करे तो मुझे बता देना, मैं इसकी बात निर्मा के साथ चलाऊंगा। पापा प्लीज, बहुत हो गया। गुड आइडिया। सुबह से ही इज डूइंग दिस। प्लीज चीयर्स गाइस, द वर्ल्ड कप मे बी ओवर बट एज फैंस ऑफ क्रिकेट लेट्स ऑल ट्राई टू मेक क्रिकेट वॉचिंग अ लिटिल वैकी। और कमेंट सेक्शन में लिख भेजो एक ऐसा फैन रिचुअल जो आप बदलना चाहते हो विद #NoRulesCricket और विलियम लॉसन सीरीज की ओर से जीतो ढेर सारी गुडीज। एंड एज ऑलवेज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, कमेंट व्हाट यू थिंक अबाउट इट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बीइंग इंडियन। चल चीयर्स।